स्टार शटलर लक्ष्य सेन का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में शानदार सफर जारी है। लक्ष्य ने ग्रुप एल में लगातार दूसरे मुकाबले में जीत हासिल की। दुनिया के 18वें नंबर के खिलाड़ी लक्ष्य ने 29 जुलाई को बेल्जियम के जूलियन करागी को सीधे गेम्स में 21-19 और 21-14 से हरा दिया। इससे पहले लक्ष्य ने ग्रुप राउंड में अपने पहले मैच में केविन कॉर्डन को हराया था। हालांकि इस मैच को जीतने का लक्ष्य को कोई फायदा नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ ये आगे बताएंगे। पहले ताजा मुकाबले के बारे में जान लीजिए। करागी के खिलाफ मैच की शुरुआत में लक्ष्य थोड़े असहज दिखाई दिए। करागी ने अपने तेज शॉट्स के जरिए गेम में अधिकतम समय बढ़त बनाए रखी। हालांकि लक्ष्य ने इस दौरान भी संयम नहीं खोया। गेम पहले 18-18 और फिर 19-19 से बराबर हुआ। यहां से लक्ष्य ने शानदार खेल दिखाते हुए गेम को 21-19 से अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में लक्ष्य शुरुआत से ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। लक्ष्य ने पावरफुल शॉट्स लगाए और कुछ देर में ही 11-4 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन करागी ने यहां से वापसी की कोशिश की और वो गेम को 14-10 पर ले आए। फिर यहां से लक्ष्य ने वापस से रफ्तार पकड़ी और गेम को 21-13 से अपने नाम करते हुए मैच भी अपने नाम कर लिया। अगले मुकाबले में लक्ष्य का सामना इंडोनेशिया के जोनाथन क्रिस्टी से होगा। ये मुकाबला लक्ष्य के लिए आसान नहीं होने वाला है। BWF रैंकिंग में तीसरे नंबर पर मौजूद क्रिस्टी का लक्ष्य के खिलाफ रिकॉर्ड 4-1 का रहा है। अब बात लक्ष्य सेन के पहले मुकाबले की करते हैं, जहां उन्होंने ग्रुप राउंड में अपने पहले मैच में केविन कॉर्डन को 21-8 और 22-20 से हराया था। इस मैच के बाद केविन ने पेरिस ओलंपिक से हटने का फैसला किया। इसकी वजह इंजरी बताई गई। नतीजा ये रहा कि उनके मैचेस के रिकॉर्ड को ग्रुप से हटा दिया गया। इसमें लक्ष्य सेन वाला मैच भी शामिल था। अब लक्ष्य को ग्रुप स्टेज में बाकियों की तुलना में एक मैच ज्यादा खेलना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों हुआ? इसके लिए आपको BWF के रूल नंबर 16.2.5 के बारे में जानना चाहिए। इस नियम के मुताबिक अगर कोई प्लेयर बीमारी, चोट, डिस्क्वालिफिकेशन या किसी अन्य कारण से ग्रुप स्टेज के सभी मैच नहीं खेल पाता है तो उनके सभी मैचेस के रिजल्ट को डिलीट कर दिया जाएगा। अगर कोई मैच के दौरान रिटायर होता है तो ये नियम लागू नहीं होगा। यही नियम लक्ष्य सेन के लिए मुश्किल बन गया। अब अगर लक्ष्य अपने अंतिम ग्रुप मैच में जोनाथन क्रिस्टी को हरा देते हैं तो उन्हें राउंड ऑफ 16 में भारत के ही HS प्रणॉय का सामना करना पड़ सकता है। भारत के बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को वॉकओवर मिला है। सात्विक चिराग की जोड़ी को 29 जुलाई को जर्मनी के मार्विन और मार्क की जोड़ी के खिलाफ खेलना था, लेकिन मार्क ने घुटने की इंजरी के चलते पेरिस ओलंपिक से नाम वापस ले लिया। साई के मुताबिक इसके बाद सात्विक और चिराग को वॉकओवर मिला है। अब ये दोनों 30 जुलाई मंगलवार को इंडोनेशिया के फजर और मोहम्मद रियान की जोड़ी से भिड़ेंगे। इनके अलावा 29 जुलाई को अश्विनी पोनप्पा और तनिषा क्रास्टो का भी मैच हुआ। विमेंस डबल की ये जोड़ी ग्रुप स्टेज के अपने दूसरे मैच में भी हार गई। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है रविराज ने। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।